गुड मॉर्निंग राधे 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 सत श्री अकाल सत श्री अकाल नमस्ते सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। कैसे हो आप सब? सब ठीक आप बताइए। बस बढ़िया। कैसे रहा आपका दिन? अच्छा था। और आपका? मेरा ठीक था, बहुत टायर्ड था। मेरा भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। सॉरी आप सबको, सॉरी इसलिए आप लोग जानते हो कि मैं लाइफ पे आके मैं लाइफ पे नहीं फोकस कर पा रही थी। इसके लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, पर हमेशा नहीं होता। तो आप लोग डेली लाइव आया करो, मेरा वीडियो देखा करो ज़रूर। और यस, अभी हम तैयारी कर रहे हैं कुछ नया नए डायरेक्शन के लिए। एक्चुअली हमने मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ नया डायरेक्शन के लिए। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए। सपोर्ट में साथ दो। आप लोगों का प्यार चाहिए। यस। आप लोगों का पैसा चाहिए? पैसा नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। यस। हमारी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। पूरा देखा करो प्लीज। और जब हमारा हम लाइव आते तो कमेंट अरे यार लाइक किया करें। लाइक्स बहुत कम होते हैं। और वैसे ये कुछ खासा चल नहीं रहा है आजकल, तो बस यही चल रहा है कि एकता आती है कभी चली जाती है। इसको यही है ना कि हाँ कि मेरे को ये ना एज अ जॉब नहीं लेती है, लाइफ को मैं एज अ जॉब लेती हूँ कि हाँ मुझे करना है तो करना ही है, मैं किसी दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती। मेरा ये चीज़ है क्योंकि मैं जॉब नहीं करती और ये जॉब करती है। ओ माय गॉड, मैं खुद का बिजनेस करती हूँ गाइस। ओ मैं क्लास में नहीं जाने का मन होगा मैं कैंसिल कर दूंगी, फिर मैं उसकी क्लास को एक्सटेंड कर दूंगी। मेरा ये सिस्टम है। हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है भाई, हमें आपको करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा काम, हमारा कैंसलेशन का सवाल ही नहीं होता। पर जॉब बेस्ट है क्योंकि सैलरी तो फिक्स होती है। ऐसा तो नहीं कि कभी भी सैलरी आए कभी भी ना आए, एक महीना है दूसरे महीना ना आए। बिजनेस में घाटा और मुनाफा होता है तो जॉब करनी चाहिए आपको, जॉब बेस्ट होती है। जॉब बेस्ट नहीं होती है पर जॉब और बिजनेस एक साथ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर, जैसे कि मैं नया शुरू कर रही हूँ तो ब्लेसिंग दे तो फिर मेरे पास तीन तीन चीज़ हो जाएंगी। इसके काम में मेरा हाथ, मेरा नाखून होगा? नहीं जी, कुछ नहीं होगा इसका। नाखून है मेरा, मैं नहीं मानती हूँ। मैं नहीं मानती, पर नाखून तो है। नहीं है, है। मैंने काट के डाला था। अभी तो मेरे कुछ शुरू ही नहीं किया, तूने पहले काट के डाल दिया। अच्छा नहीं, अभी आएगा मेरा नाखून, दोबारा काट के डालना पड़ेगा गाइस। तो आप लोग बताओ क्या नवी प्लानिंग करे 2024 के रेजोल्यूशंस, क्या पूरे किए आपने? 6 महीने निकल गए रेजोल्यूशंस बना। अरे वो मुझे क्या पूरे किए ब्रो? मैंने कुछ भी पूरा नहीं किया ना, मैंने कोई बनाया था, मैंने सोचा था सिर्फ लाइव एंजॉय करनी, वो मैं कर रही हूँ। भाई मैंने तो सोचा था, मैं सच्ची बताऊँ, मैं तो हमेशा हर न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लेती हूँ, पर अनलकली पूरे नहीं हो पाते थे पहले, पर अब पूरे हो रहे हैं। सो ये 2024 बहुत लकी है मेरे लिए, बहुत कुछ मिला, आप लोग मिले 2024 पे। मेरी शक्ल देख रही है? हाँ गाइस आप लोग मिले। एक था वो कल्लू कहने वाला कोई मिला, मुझे कैसे भाई मिले, PhD भाई मिले, किंग खान भाई मिले, देश की आवाज़, मुझे नींद पूरी करने की क्षमता मिली, काफ़ी लोग मिले, काफ़ी न्यू न्यू लोग आए, दिलप्रीत और भी काफ़ी लोग हैं जिनके, प्रशान, जय, काफ़ी लोग हैं जिनके नाम मैं भूल चुकी हूँ, पर इन लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला। एक्चुअली ये इस टाइम डिस्कशन इसलिए क्योंकि हाफ ऑफ द ईयर ख़त्म हो चुका है और हाफ ऑफ द बाकी है। तो गाइस मैं मॉर्निंग पे जा रही हूँ। इसको अपना गोल बनाओ, जा रही हूँ नहीं मतलब जाना ही है तुमको। गोल बनाया था मीनाक्षी ने, मना कर दिया था, मीनाक्षी ने गोल में पत्थर मार के तोड़ दिया मेरे को। गोले को इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं ट्रायंगल कर दिया। मैंने फॉर्म भरा था तुझे पता मॉडलिंग का, वहाँ से मुझे कन्फर्मेशन भी मिल गई थी, पर नहीं जी वो फेक था ब्रो, वो फेक था, मेरे को ही पता है। तो इस पर बताओ मैं कैसे प्लान बनाऊँ, मैं कैसे विश्वास करूँ किसी पे? जबकि तुम बताओ कहाँ से शुरू करूँ मैं मॉडलिंग के लिए? तुम ऑनलाइन न्यूज़पेपर देखो, ऑफलाइन न्यूज़पेपर देखो, उसमें बहुत सारे हैं। आपने मेकअप आर्टिस्ट से कांटेक्ट करो, कोई जो पार्लर्स वाली होती हैं उनसे कांटेक्ट करो, या फिर जो आप बुटीक्स वाले होते हैं जो बड़े ब्रांड है उनसे
कांटेक्ट करो उनकी ड्रेसिंग, एज अ मॉडल जाओ आप, ड्रेसिंग पहन के, ड्रेसेस पहन के फ़ोटोशूट कराओ, मेकअप कराओ, मेकअप का फ़ोटोशूट कराओ, देन यहाँ से आगे डायरेक्ट तुम सोचो कि हाँ तुम हीरोइन बन जाओगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो डायरेक्ट हीरोइन बनने का सोच रही हूँ, उसके लिए बहुत किस्मत चाहिए होती है अच्छी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि मेहनत जो होती है स्टेप बाय स्टेप चलती है। मुझे किस्मत चाहिए, मैं मेहनत नहीं करना चाहती, मैं मेहनत करते करते थक गई हूँ। आप बताओ मैं गलत हूँ कि सही हूँ? जो स्टेप बाय स्टेप मिलती है ना वो एक्चुअली मेहनत लाज आती है, जो यूँ जाके यूँ मिल जाए वो मेहनत का लाज नहीं आती। मुझे राजा जाएगी वो यूँ ही गिरा देती है। नहीं मुझे राजा जाएगी, मैं मेहनत को संभाल के रखना चाहूँगी। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो आपको प्रॉब्लम जो आएंगे वहीं पर सीख जाओगे, फिर आपको पता है कि इस स्टेप में ये प्रॉब्लम आई थी तो आप वो स्टेप को ध्यान से रखोगे, समझ रहे हो? आप डायरेक्ट हाँ फ्लाइट लेके, क्या कहते हैं, लिफ्ट लेके ऊपर चढ़ जाओगे तो भाई तुमको पता ही नहीं बीच रास्ते में क्या क्या था। और नेक्स्ट टाइम लिफ्ट बंद हुई तो फिर स्टेयर से आना पड़ेगा, तुमको पता ही नहीं पड़ेगा कि आगे नीचे क्या है। तो पहुंचूंगी मैं भाई, इसको कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता। अच्छा बताओ लिफ्ट से मैं आधे रास्ते पहुंच जाऊंगी, जिस फ्लोर पे जाके रुकूंगी वहां से स्टेयर्स लेनी पड़ेंगी। अब ये कह रही है फर्स्ट फ्लोर से स्टेयर्स लेके जा तो मैं नहीं थक रही इतना। तो लाइफ में तो ऐसे ही चलना पड़ेगा ब्रो। लाइफ चल तो रही है मेरी, तभी तो मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, लिफ्ट आएगी तो पहुंच जाऊंगी। ऐसे तो फिर आप पहुंचोगे और नीचे आ भी जाओगे। नहीं पहुंचूंगी तो बैठी रहूंगी नीचे और क्या। तो फिर ड्रीम कैसे हुआ तुम्हारे, गोल कैसे हुआ, रेजोल्यूशन कैसे हुआ तुम्हारा? मेरा गोल नहीं था, मैंने बोला मेरा गोल जो सोच चुके हैं। देखो भाई इसकी समझ से तो बाहर है, पर आप लोगों को मैं यही ज्ञान देना चाहूंगी, स्टेप बाय स्टेप चलना लाइफ में, किसी भी चीज पे पहुंचना है ना स्टेप बाय स्टेप चलना, इजी रास्ता मत अपनाना कभी। मुझे फैशन डिजाइनर भी बनना है। जाओ मेरा एक सूट बना दे डिजाइनर। मुझे कटिंग के नाम पे का भी नहीं आता। मैंने एक बार ना पापा के एक शर्ट ली, बड़ी से सोचा था स्कर्ट और टॉप बनाऊंगी, भाई कुतर दिया मैंने उसको। मम्मी ने मुझे 10 गालियां दी उसको, आया मैं, मैंने पूरा न्यू ब्रा बनाया लेकिन उसको बहुत गंदा बनाया था। मम्मी ने मुझे 10 गालियां दी, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, मेरा कपड़ा भी वेस्ट हुआ, पापा की शर्ट भी वेस्ट हुई, मेरी मेहनत भी वेस्ट हुई। और गालियां? गालियां तो अलग से जो वेस्ट हुई, गालियां वेस्ट नहीं, गालियां मिली, अच्छी बात है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और अच्छा लगे तो कमेंट करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, मुझे सपोर्ट करो मेरे मॉडलिंग के लिए, जगह जगह जाके कमेंट करो। आप लोगों के सबके मैं देख रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के सबके कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, तो थैंक यू सो मच आप लोग कमेंट्स करने के लिए। आप लोग कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी दिन हम अपना मॉर्निंग का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप सबके सारे कमेंट्स का आंसर्स देंगे। बाय बाय।